4 ग्राम फालतू था तुम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह 8:15, बाकी उठ के नहा धोके रेडी, बत्ती भी हो चुकी है टाइम पे। आप सोच रहे होंगे चालू नहीं है आज गायत्री मंत्र वाला, तो ये बंद कर रखा है, अभी लाइट नहीं थी बीच में, तो इस चक्कर में। तो चलिए करते व्लॉग की शुरुआत, चलो। सो यहाँ पापा का काम चल रहा है, कपड़ा तई सही है ना, कंट्रीब्यूशन घर के काम में। मैं भी कर देता हूँ थोड़ा, क्या करना मैंने, झाड़ू भाई साहब, मेन काम मेरे को ही मिलता है देखो। चलो करते हैं यहाँ सफाई अब। सो न्यूज में भी आ गया, 6 घंटे करीब पूरा बंद रहा था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तभी मैं कहूँ कल मेरे शेयर कर रहा हूँ मैं, वो शेयर हो ही नहीं रहा था, तो यही दिक्कत चल रही थी। तब जाके मैं कहूँ इतना शेयर करा मैंने, कही भाई डाला मैंने वहाँ पे, वो इतना होता ना सर्कल घूमता जाता, वही घूमता रहा। अपना नाश्ता बना रहा हूँ मैं अभी, मैगी, बाकी पूरी डाल दी मैंने आज। मैंने कहा आज देखते हैं कितने मतलब होते हैं ना इसके, जो एक वो होता कितना लंबा होता, समझ गए आप, लेयर। तो देखते हैं बढ़िया से पूरी ऐसे कैसे उबालूंगा इसको, बाकी मसाला डालूंगा तैयार हो जाएगी, लहसुन प्याज तो कुछ डालना है नहीं। सो फाइनली अपनी मैगी रेडी हो चुकी है, देखो मैंने कितना मस्त लग रहा है ना बबल सा ऊपर को, बाकी बंद करते देखना क्या दिखेगा। ये देखो एक नंबर की बना दी मैगी तो मैंने, पर थोड़ा तरी रखी है उसमें स्वाद अलग आता है ना। तो फाइनली मैगी देखो आप, कुल मिला के मतलब अगर पूरी डालो तो इतना साइज होता है इसका। तो मैंने क्या ट्राई करके देखता हूँ, हर बार मैं तोड़ के डालता था ना भाई, खाया कैसे जाएगा, तोड़ना तो पड़ेगा इसमें भी। तो टाइम हो गया दिन के 11, बाकी नाश्ता करके अब जा रहा हूँ मैं, यहाँ मामा हैं उनको दिखा के लाना, थोड़ा डॉक्टर के पास बीमार है ना, बुखार हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। मामा जी हमारे यहाँ बैठे हैं, अभी ले कर चलते हैं। तो फाइनली आ गए हैं, बाकी यहाँ पे लाइन देखो आप, मतलब कितने पेशेंट हैं देखो, भरा पड़ा पूरा। सो आई थिंक 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा, अभी अंदर हो गया है, बाकी बैठ जाते हैं बाहर ही, अंदर भी क्या करना है बैठ के, पेशेंट बहुत है वहाँ। वैसे एक बात है मतलब पेशेंट तो देख के यहाँ आते हैं ना हॉस्पिटल में, तभी पता लगता है यार कि इतने बीमार भी हमारे देश में, वरना सभी फिट लगते हैं आसपास के तरह ना। तो फाइनली दिखा लाया हूँ, बाकी आराम है। सो टाइम हो गया दिन के 2:30, बाकी घर आ चुके हैं, बाकी भूख लगी भयंकर वाली। वहाँ पे जाके तो ऐसा हो जाता है ना, कहीं भी मेडिकल साइड इन जगह जाओ हॉस्पिटलों में, तो 3-4 घंटे पता नहीं लगता कब गए, बाकी पेशेंट इतने हो जाते हैं सिर दर्द हो जाते हैं देख के। तो चलिए फाइनली घर आ चुके हैं, बाकी अब करते हैं खाना। खाना बनवा रहा हूँ अपने लिए स्पेशल आलूदा पराठा, आलू पराठे खाएंगे। सभी टाइम हो गया, वही हो गया 2:30 या 5 मिनट फालतू हुए हैं। तो बाकी पंकज भी यहीं पे है, पंकज का रिजल्ट आ चुका है आज, गंजू टेट हो गया है, बाकी इसी खुशी में बन रहे पराठे, तो चलिए सही है। बाकी कह रहे थे पंकज नहीं दिखता है, देख लो जरा बता दे कितने परसेंट बने, 57 सेकंड डिविजन आई बेचारे की, फर्स्ट से रह गया थोड़ा सा। वैसे एग्जाम देता अच्छे आते, ऑनलाइन के चक्कर में बेचारा रह गया इस बार। ऑनलाइन आपने देखी होगी वीडियो पहले की, ऑनलाइन पेपर चल रहे थे इसके, तो उस चक्कर में नंबर कम आए इस वाले में, बाकी 2 में तो इसके 60 से ऊपर ही बन रहे थे। चलो खाना खाते अपने आलू दे पराठे इस खुशी में। फाइनली आ चुका अपना पराठा, बाकी स्लो मोशन में देखा क्या मस्त छाल दिया मैंने, टैलेंट है मेरे अंदर बहुत है ना, खतरनाक वाला जोक करोगे वगैरह ऐसे टैलेंट सर्कस में, तभी तो एंटरटेनर है हम, एंटरटेनर ही होते हैं ठीक है, लोगों को खुश रखना, खुद खुश रहना रहे पर खुश भी रहते हम तो खुद भी। तो फाइनली खाना हो गया अपना, बाकी बाल जंगली जैसे हो गए ये देख सकते हैं आप इसको, और दाढ़ी दूढ़ी सब कटवानी है बिल्कुल, अब ये श्राद्ध होने वाले खत्म कर लास्ट है, उसके बाद कटवाएंगे। सो शाम को आज पंकज की तरफ से पार्टी लेंगे गंजू टेट होने की, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, आपका पुत्र दूसरा भी गंजू टेट हो गया है, बढ़िया। सो शाम को मम्मी बता रही है क्या बनाएगी शाम को, तोरी की सब्जी रोटी, बीमार वाला खाना नहीं बनाएगा, अच्छा था ना तेरा बड़ा पुत्र ग्रेजुएट हो रहा है, अच्छा खाना बनना चाहिए। ये कड़कड़ ने खा लिया यार मिक्सी के, 2 बार वीडियो बनानी पड़ रही है, 2-3 बार ऐसी करके। तो भी टाइम हो गया 9:15, बाकी आज पंकज गंजू टेट हुआ है तो उस चक्कर में से पार्टी ले रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। बाकी बर्गर पकौड़े रोल हम तो रोज खाते ही हैं, अंधेरा हो रहा होगा लाइटिंग नहीं है ना इस साइड, तो चलिए चलते हैं कुछ और खाएंगे। सो भी आ रखे थे यहाँ पे हम चिल्ली पोटैटो खा रहे, भैया ने सारा माल खा दिया भैया, जल्दी खत्म कर दिया आज, जल्दी क्या हम ही लेटे हैं 9 बज के, क्योंकि ये बाजार हमारा 9 बजे तो बिल्कुल ही सुन्न हो जाता है, तो उस हिसाब से वो भी चल रहे हैं। बाकी आज सारा मन पंकज ने ग्रेजुएशन करी, आज तुम फिर हम लोग पार्टी लेते हैं और यहाँ पोकट हो गया अपना। जल्दी बता क्या खाना, मंचूरियन
ये भी बनेगा नहीं? हाँ भाई बन जाएगा। चलो जितना है उतना बना दो, मैंने मैंने खाना है बना दो। कुछ तो खाए फिर आए थे ना, तो आए तो कुछ तो खा के जाएंगे ना। बाकी मास्क क्यों पहना मैंने पता नहीं, गर्मी हो रही है। तो अब मंचूरियन बनवाते हैं, थोड़ा सा ही बचा, मंचूरियन भी ज्यादा नहीं बचा, मेरे मेरे लाएंगे। तो चलो मेरे नसीब में था। हाँ दिया, तो कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है पंकज, आज पंकज की तरफ से पार्टी है। पंकज कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में है, देखो गिलास के चक्कर में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। ये गिलास मिल रही है कांच की फ्री कोक के साथ, तो ये पूरा ही 2 लीटर उठा रहा है, घर में सभी पी लेंगे। तो घर ही पैक ही करा लेते हैं खाने का भी आइटम है ना। चार ग्राम फालतू था। चलो भाई हो गया पैक, चलते हैं। पहले मंचूरियन ठंडा ना हो जाए इसलिए हमने मंचूरियन डाल लिया, कोल्ड ड्रिंक बाद में पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक गर्म ना हो जाए इसलिए नहीं पी रहे। पर ये देखो ना खानी है, कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा कह रहा था, जल्दी बता रिव्यू। बढ़िया, चलो मैं खा लेता हूँ। जला हुआ स्वाद आ रहा थोड़ा, जो जलाया था ना वो स्वाद बढ़िया आता ना उसका। तो चलिए मैं भी खा लेता हूँ मंचूरियन, बन टेस्ट आ रहा। तो भाई ने बना रखा पनीर पुनीर सब डाल रखा आइटम, तो मस्त लग रहा है बिल्कुल, टेस्ट भी मस्त हो रहा है, मैंने टेस्ट किया अभी। बाकी इसका लिफाफा ना बिल्कुल चमका दिया मैंने, लिफाफा नहीं छोड़ा मैंने, लिफाफे में जो भी था सारा डाल दिया इसमें अपना, मतलब पूरा यूटिलाइज करो चीज़ को, मतलब पूरा निमटा हुआ है ना। सब टाइम हो गया 11:45, बाकी कल की तरह आज भी लाइट बंद है, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही रीज़न है। ये दिख तो नहीं रहे होंगे आपको यहाँ पे बिल्कुल, पर ये देखो आप जूम करके दिख रहे कितनी उड़न तस्तरी हो रखी है ना, कीड़े कितने हो गए। सो इसको ध्यान में रखते हुए लाइट बंद करके आज मतलब कैंडल लाइट डिनर करना पड़ेगा लग रहा है, पर अब बिना कैंडल लाइट ही कर लेंगे बालकनी लाइट डिनर। सो यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीना रह गया था बस, वो तो मंचूरियन तो मैंने पहले ही खा लिया था, बाकी पंकज क्यों नहीं दिखता तो ये रीज़न है। देखो काम धाम कुछ है नहीं, पबजी खेलना बस। सो आज खाने में है तोरी की सब्जी जो मम्मी ने कही थी वही बनाई है, बाकी रोटी अपनी और कोल्ड ड्रिंक निपटा दी लगभग। बाकी फ्लैश से बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि लाइट नहीं जला रही ना। तो टाइम हो गया रात के 11:30, बाकी ये खाना खा के आ गया नीचे। और एक खुशखबरी, फोन अपना ऑर्डर हो चुका है, बाकी पता नहीं कल परसों जब भी, कल तो लास्ट अमावस है, श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके बाद, फिर नवरात्र में आए तो ही बढ़िया है, बाकी श्राद्ध में नई चीज लेते भी नहीं है ना। तो कब आ सकता फोन, कल या परसों, अंदाजा बताओ अंदाजा। मुझे नहीं पता, कुछ पता ही नहीं होता, मम्मी कल कह रही है, हम कह रहे परसों, बाकी फोन जो भी आएगा धमाकेदार फोन है, बाकी देखते हैं किसके पास कौन सा रहेगा। कल ऑर्डर तो हो गया, बस कल आएगा परसों आएगा वो नहीं पता, तो जब भी आएगा आपके अलग से अनबॉक्सिंग की वीडियो मिलेगी इस फोन की। तो चलिए कर देते इस वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में जल्द सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो।